नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी खूबसूरती से जानी जाती हैं। बॉलीवुड में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। फिलहाल आजकल बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान कहीं ना कहीं घूमती नजर आती हैं। ज़्यादातर सारा को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शॉप किया जाता है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को शुक्रवार को दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में देखा गया, जहां वो अपनी टीम के साथ पहुंची। दिल्ली आई सारा ने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सारा अली खान ने इंस्टा स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दिखाया है कि वो अपनी टीम के साथ खड़ी पोज दे रही हैं और बांग्ला साहिब गुरुद्वारा बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। बता दें, इस दौरान सारा अली खान ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है। ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सारा अली खान बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने सिर पर दुपट्टा डाला है। वहीं सारा ने दूसरी फोटो गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर खिंचवाई, जहां लंच करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं खाना खाते गुरुद्वारे का एक वीडियो सारा ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। बताते चले, सारा की नई फिल्म ए वतन मेरे वतन अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो रही है। इसके प्रोड्यूसर करण जौहर और कनन अय्यर डायरेक्टर हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। इसमें सारा अली खान फ्रीडम फाइटर के किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा एक्ट्रेस के पास मर्डर मुबारक लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म भी है। बताते चले, सारा अली खान की हालिया फिल्म गैसलाइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 31 मार्च को स्ट्रीम हुई, जिसमें उन्होंने विक्रांत मौसी के साथ काम किया था। बॉलीवुड से जुड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें बॉलीवुड केसरी।